इंडिया में कई तरह की सैंडविच मिलती है और आप लोगों ने कई तरह की सैंडविच खाई होगी, बट आज जो आपको मैं सैंडविच दिखाने जा रहा हूँ ना, वो सिर्फ सूरत में ही मिलेगी। और इस सैंडविच का नाम है पनीर चीज़ अंगूरी, और इतना कम प्राइस है ना कि आप इसे रोज़ खा सकते हो। तो देखिए उसकी प्रिपरेशन चालू हो गई। पहले उसका मिक्स वेजिटेबल वाला मसाला बना लिया गया है, उसके बाद में पनीर की कटिंग हो रही है और पनीर को कर लेंगे क्यूब के आकार की कटिंग। और उसके बाद में स्टार्ट होता है इसका मेन प्रिपरेशन, जिसमें इसमें लिया जाता है गोल्ड ब्रेड, जो कि इसका स्पेशल ब्रेड रहता है, और इसमें लगाया जाता है भरपूर मात्रा में बटर, ताकि वो एकदम नीचे से बटरी रहे। और ऊपर से अप्लाई की जाती है ग्रीन वाली चटनी, जो कि मीडियम स्पाइसी रहती है। उसके ऊपर डाला जाता है टोमेटो सॉस, जिससे उसका बढ़िया सा टेक्सचर आ जाए। और उसके ऊपर डाला जाता है तंदूरी सॉस, और वो डालने के बाद में फिर से एक बार चीज़ डाला जाता है, और उसके ऊपर डाला जाता है जो मिक्स वेजिटेबल का जो पेस्ट बनाया था वो अप्लाई कर दिया जाता है। और वो अप्लाई करने के बाद में उस पर डाला जाता है भर भर के भाई पनीर। पनीर की मात्रा देखिए भाई, कम से कम 100 ग्राम पनीर एक स्लाइस में जा रहा है, तो दूसरी स्लाइस में दूसरा 100 ग्राम पनीर, यानी 200 ग्राम पनीर जा रहा है। और उसके ऊपर डाला जा रहा है फिर से एक बार चीज़, और उसको बंद कर लेंगे अभी ब्रेड की सहायता से, और वापस उसके ऊपर डाला जाएगा बटर। बटर लगाने के बाद में उसको किया जाएगा ग्रिलर में। तो ये देखिए भाई, दोनों ही अपना जो चीज़ अंगूरी बन रहा है उसको ग्रिलर में डाल दिया गया है, और उसको 5 से 10 मिनट ग्रिल होने दिया जाएगा। उसके बाद में उसको फिर से निकाल दिया जाएगा, और उसके ऊपर फिर से एक नेक्स्ट प्रोसेस चालू होगा। तो ये देखिए भाई, आ गया अपने पास में, उसको कट कर लेंगे, 6 स्लाइस बना देंगे ताकि खाने में आसानी हो। तो उसको अभी कट किया जा रहा है, बढ़िया से कट करने के बाद में उसके ऊपर इनका एक स्पेशल सॉस लगाया जाएगा, जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो ये देखिए, ये डाला जा रहा है उसके ऊपर स्पेशल सॉस, और उसके ऊपर फिर से एक बार पनीर डाला जाएगा। देखिए भाई, कितनी ही मात्रा में इसमें पनीर आता है। तो पहले एक बार पनीर डाल दिया गया, और ऊपर से पनीर, और उसके ऊपर फिर से चीज़ की बारिश की जाएगी। और ये देखिए भाई, बढ़िया सी चीज़ की बारिश करने के बाद में उसके ऊपर डाला जाएगा लिक्विड चीज़। तो देखिए भाई, कितना ही चीज़ी है और कितना ही पनीर डाला गया है। और उसके बाद में इसके ऊपर डाला जाएगा चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो वाला मिक्स फ्लेवर वाला मसाला, और उसके बाद में इसको किया जाएगा ओवन में बेक। तो देखिए भाई, कितनी ही लंबी प्रोसेस है, तो खाने का बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये डबल बेक होता है, एक बार ग्रिलर में और एक बार ओवन में बेक किया जाता है। तो देखिए भाई, अभी डाला जा रहा है उसको ओवन में, और ओवन में इसको कम से कम 10 मिनट और पकाया जाएगा बढ़िया से। और पकाने के बाद में भाई, जो इसका रंग निकल के आएगा ना, वो तो क्या ही लाजवाब रहने वाला है। तो ये देखिए भाई, पकने के बाद में क्या ही बढ़िया लग रहा है, चीज़ पनीर सब कुछ मेल्ट हो चुका है और बढ़िया से उसकी जगह पे सेट हो चुका है। तो ये देखिए भाई, उसका जो रंगत आई है ना भाई, लाजवाब रहने वाली है, और स्वाद में भाई आप उंगलियां तक चाट जाओगे। और लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका क्या ही प्राइस रहने वाला है। तो ये देखिए भाई, ये आ गई अपनी चीज़ पनीर अंगूरी सैंडविच अपने पास में रेडी होके आ चुकी है, और कुछ इस तरीके से दिखती है, और सॉस और चटनी इनकी स्पेशल रहती है। तो ये देखिए, ये आ गया इनका, और ये हमने बाइट ली थी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट था। अगर इसे ट्राई करना चाहते हो तो एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, नए हो तो फॉलो